अभय वर्मा को जानते हैं पर सकल क्योंकि हेलमेट लगाए थे तो पहचान नहीं पा रहे थे, और जैसे ही मैंने हेलमेट निकाला तो पहचान के कह रहे हाँ आप ही अभय वर्मा हूँ। तो आप लोग का बस ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा, तो भाई और चाहिए कि आपके भाई को, बस ऐसे ही फटाफट सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, शेयर करो, बस और कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग का प्यार चाहिए। तो ये सब जो मिलते हैं भाई लोग तो अच्छा लगता है अपने आप को भी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, आई होप आप लोग मेरी तरह अच्छे होंगे। तो फिर से नए वीडियो के साथ हम वापस आ चुके हैं नए लोकेशन पे, और लोकेशन देखिए कितनी ज़्यादा प्यारी है। फिर दृष्टि को दे देते हैं आपको, ये ड्रोन शॉट है मेरा मोबाइल वाला। तो उधर पीछे ट्रेन की आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा कम होती तो बात करते हैं आपसे, बंद हो गई है। तो आज हम अपनी टीवीएस जुपिटर ग्रैंड एडिशन का माइलेज टेस्ट करने वाले हैं, तो देखते हैं आज वो कितना माइलेज प्रोवाइड करती है। जो कंपनी क्लेम करती है वो 52-62 किलोमीटर के बीच का माइलेज क्लेम करती है, कि 50-62 के बीच में माइलेज देती है तो इकोनॉमी में। तो आज हम लोग देखेंगे कितना देती है, और हमारे साथ पिलियन राइडर भी रहेंगे अभिषेक श्रीवास्तव। तो बाद में देखते हैं, इनका वैसे वेट 86 kg है, इतना ज़्यादा है, ये झूठ है। तो देखेंगे तब भी कितना माइलेज देती है मेरी स्कूटी, तो आज पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आपको स्कूटी भी दिखाते हैं कहाँ चाहिए। स्कूटी हाँ दिखा देते हैं कहाँ खड़ी, और हम लोग एक टीले पकड़े हैं अभी दिखाते हैं, चलिए दिखाते हैं। ये देख रहे हैं सामने स्कूटी खड़ी है, ये मेरी स्कूटी खड़ी, और ये देखिए कहाँ पहाड़ पे हम लोग ने सामने लाल कोठी है देखिए। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये इतनी जो जगह है ये मैंने भी परचेस करी है, और ये सामने वाली अभिषेक भाई ने, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टहलने के लिए आए थे, हम लोग को ये जगह पसंद आ गई। सामने लाल कोठी आपको दिखाई है, देखिए वो देखिए सामने लाल कोठी है। हाँ, यहाँ पे हम लोग की मूवी शूट होने वाली है, हम लोग अभी बनने वाली है हमारी, और ये लोकेशन बहुत गजब है। अभिषेक का नाम है छवीली 2.0 अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। अच्छा, तो गाइस चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जो है माइलेज टेस्ट के ऊपर। चलो गाइस, अब यहाँ से उतरने का बहुत, पहले मैं उतरूंगा, भाई दिखाएंगे, पहले मैं उतरूंगा, भाई आपको दिखाएंगे। चलो उतरो, ये लग रहा बहुत आसान था पर आसान है नहीं। चलो धनगत, ये देखो गुस्सा जा रहा है। अब मैं उतर रखना, ये गाइस चला जाएगा, चला जाएगा। वेलकम बैक टू अनदर, अभी पहले जाएंगे जल्दी भाग के लो। क्या बता रहे हो गाइस, ये मुझे बड़ा मजा आया। गाइस हम लोग नीचे आ चुके हैं, वो रहा पहाड़ जहाँ हम लोग खड़े थे, वो देखिए वो मेरी लैंड अभी हमने परचेज करी, अभी परचेज करी, और ये रही स्कूटी। इसको हम लोग यहाँ पे अकेला छोड़ देते, सॉरी यार तुमको नहीं ले जा पाए, सॉरी सॉरी सॉरी, अब तुम्हें को लेके टहलेंगे। चलो, और अभी इसमें थोड़ा बहुत फ्यूल है, जब से घर से निकले हैं अराउंड मैंने इसको कितना राइड कर लिया है देखते हैं। और हाँ, इस स्कूटी को हम फ़ोन से भी कनेक्ट कर लेंगे ब्लूटूथ से, ताकि ये हमको अच्छी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाए और आपके साथ हम शेयर कर पाए। तो चलिए चलते, जैसे ही इसमें फ्यूल ख़त्म होगा तो 1 लीटर इसमें फ्यूल जो हम लोगों ने कैरी किया वो इसमें हम लोग डालेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपना माइलेज टेस्ट स्टार्ट करेंगे और ट्रिप जो है उसको जीरो कर देंगे। चलिए, अभी हमने इसको 12.3 किलोमीटर चला लिया, अभी भी इसमें पेट्रोल बचा है, पूरा इसको फिनिश कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली अब जाके कहीं स्कूटी बंद हुई है, इसको मैं अराउंड 6:30 बजे से राइड कर रहा हूँ, 1 घंटा इसको मेरे को राइड करते हो गया है। फ्यूल बिल्कुल भी नहीं था, पर ये स्कूटी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अराउंड आप लोग देख सकते हैं 7:41 हो चुका है, अब जाके ये स्कूटी बंद हुई है, 41.5 किलोमीटर चल चुकी है। अब हम लोग इसमें 1 लीटर फ्यूल डालेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये कितनी ज़्यादा किलोमीटर परफॉर्म करती है, कितने ज़्यादा किलोमीटर चलेगी। तो 1 लीटर अपना फ्यूल अभिषेक भाई निकालो ज़रा। तो ये अपनी टैंक खोल दिया है, और अभी आपको दिखा भी देते हैं पहले कि स्कूटी नहीं स्टार्ट हो रही है, नहीं तो आप लोग सोचेंगे हम झूठ बोल रहे। कहाँ फंस गई,
तो आप लोग देख लीजिएगा स्कूटी नहीं स्टार्ट होगी। ये और यहाँ पे देख लीजिए फ्यूल बिल्कुल इकोनॉमी बता रहा है। इकोनॉमी बताने के बावजूद ये 41-45 किलोमीटर चल चुकी है। तो चलिए इसमें 1 लीटर फ्यूल डालते हैं जो कि हम लोग ने अपने साथ में कैरी किया है। जाओ इसकी नरकसी तक कि हम लोग तेल भर देंगे 1 लीटर। और ये देख सकते कैसे पी रही है बिल्कुल बेहरमियों की तरह। इसको रख लेते हैं, इसको घर पर हम लोग फेंकेंगे, हम लोग बाहर कूड़ा उड़ा नहीं पड़ता। और 500 ml 100 ml भी गिर भी गया है, 100 ml गिर भी गया। अब देखते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स आए हैं कि नहीं आए हैं। और इसको हम लोग अपने फ़ोन से भी कनेक्ट कर लेते हैं ताकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को फ़ोन पे देखने को मिल जाए। तो गाइस ट्रिप ए 0 हो चुका है और ये दिखा देते हैं आपको, ये दे सकते हैं ये ट्रिप ए 0 है। और यहाँ हमने फ़ोन भी कनेक्ट कर लिया है अपने इससे ब्लूटूथ से। तो देखते हैं आप कितने किलोमीटर ये चल पाती है और कुछ टाइम बाद अभी आपको दिखाएंगे। कहते हैं कि ये डिस्टर्ब करेगा, बार बार मैसेज आएंगे। तो देखते हैं ये कितने किलोमीटर चल पाती है स्कूटर कह सकते हैं। अभी तक की इसने काफ़ी परेशान किए थे, आप देख सकते हैं स्टार्ट भी नहीं हो रही है क्योंकि हम लोग ने फुल फ्यूल जितना भी था पूरा एमपीटी कर दिया। चोक लगा लगा के हम लोग ने इसको समझ लीजिए 5 किलोमीटर चलाया। ये क्या कर रहे हो अभिषेक, पॉल्यूशन फैला रहे हैं। अबे यार ये सब ना करो यार, बैठो अभी हम लोग देखेंगे कि ये कितने किलोमीटर चल पाती है। वैसे कंपनी तो 50 से 62 किलोमीटर के बीच का माइलेज क्लेम करती है। तो हम लोग देखते हैं एज अ पिलियन जो कि 86 kg के हैं तो ये कहेंगे बताना ज़रूरी है तो फिर ऐसे हम लोग देखेंगे एज अ पिलियन ये कितने का माइलेज प्रोवाइड करती है या कह सकते हैं ये कितना देती है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग भी टेस्ट करते हैं। हम लोग को रास्ते में जाम भी मिलेगा, ट्रैफिक भी मिलेगा, हाईवे भी मिलेगा। तो हर रूट के कंडीशन के हिसाब से माइलेज टेस्ट हो जाएगा कि हाईवे और सब मिला मिलू के एज अ टोटल क्या बोतल में सस्ते नशे। तो हाईवे और सिटी दोनों ही का माइलेज पता चल जाएगा, दोनों को मिला के कितना माइलेज प्रोवाइड करती है। कोई एकदम से हाईवे पे तो चलता नहीं है, ट्रैफिक भी आता है, लोगों को हाईवे मिलता है, हर तरीके प्योर आपको पूरा रियल माइलेज पता चलेगा कि कितना माइलेज ये देती है। अभी इसने 3 किलोमीटर कवर किए हैं। इस पर ना जाइए, ट्रिप ए पे सेट है, ये ट्रिप एफ है तो उस पर भी आपको देखेंगे और दिखाएंगे भी। और यहाँ का पुल देखिए बनना है, कितना ज़बरदस्त पुल बनना है। आप यहाँ से सीधा चढ़ेंगे आपको घुमा के पूरा उधर से उतारेगा। ये देख रहे हो अभिषेक ब्रो कितना बढ़िया बना दिया है पुल, इधर इधर सट से चढ़ोगे उधर घूम के उतरोगे आके। और ये तो बन चुका था, मैंने ये नहीं देखा था, ये जो अभी लोहे का इन्होंने बनाया है ब्रिज टाइप का, ये आपको सीधा यहाँ पे जो जाम लगता है ना वो जाम को रोकने के लिए बनाया गया है। अरे दीदी तो बिल्कुल गिरी जा रही हैं, दीदी निकालो। भूरे देख रहे हो, पेड़ देख रहे हो, इसी टाइप का बता रहे थे पूरा सजाया गया है। तो चलिए आप आगे मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी हम लोग ने 10 किलोमीटर स्कूटी को चला लिया है और अभी और देखते हैं कितने किलोमीटर चलेगी। अब हम लोग अभी तक की इसको 50 की स्पीड में चला रहे थे, अब हम लोग इसको 60 की स्पीड में चलाएंगे। 50-60 की वैसे स्पीड में दोनों की लिमिट हमने सेट कर रखी थी, 50-60 के बीच ही में चल रही थी स्कूटी। और ये इकोनॉमी मोड में नहीं चल रही, आप लोग देख सकते हैं ये पावर मोड में ही चल रही है। अभी तक की स्कूटी जो है वो 30 किलोमीटर चल चुकी है और अराउंड अभी ये हमारे समझ से 20 और 30 किलोमीटर और चलेगी।
तो देखते हैं लेट्स सी ये 30 किलोमीटर चल पाती है कि नहीं चल पाती, 60 का ये माइलेज देगी या नहीं देगी, वो अभी देखेंगे हम लोग। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो का एंजॉय करिए। आ चुका है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा, अगर सीधे जाएंगे तो टोल प्लाजा आ जाएगा, चढ़ जाएंगे और ये जाता है मोहान की ओर। ना हम लोग इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, आगे हम लोग सीधा यू टर्न लेंगे वापसी की ओर और अपने घर की ओर चलेंगे। आए अभिषेक भाई, बैठे बैठे हालत ख़राब हो गई है और ये अराउंड अगर कहेंगे सुबह से तो सुबह से स्कूटी जो चल रही है वो 80 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है, क्योंकि 41 किलोमीटर लग गया था, किलोमीटर चल चुकी थी पेट्रोल ख़त्म करने में, और उसके बाद तो अभी चल चुकी है कह सकते हैं कि 39 किलोमीटर अभी चल चुकी है स्कूटी। तो और देखते हैं अभी कितने किलोमीटर ये क्लॉक कर पाती है। तो गाइस ये अभी 40 किलोमीटर ही चली है और 40 किलोमीटर ही में ये अभी झटके मारने शुरू कर दिए इसने, ये देख सकते हैं लैग कर रही है। तो अराउंड अभी देखते हैं कितना और चल पाती है, हमारे समझ से तो अभी ये अगर झटके भी मारेगी, ये देखिए अभी तक तो मारना शुरू कर दिया, ये देखिए रुकने लगी है अभी से स्कूटी, देख रहे हैं। ऐसे भी ये पता है आपको 2 किलोमीटर चलती है स्कूटी, 2 से 3 किलोमीटर। तो यार बंद होने वाली हो गई। भाई आज इसको मान गए, गाइस ये बंद हो गई, बंद हो गई गाइस, इसकी जान निकल चुकी है। ओफ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो इसने माइलेज दिया है 49.6 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया है, आपको ये दिख रहा होगा 49.6 किलोमीटर का इसने माइलेज प्रोवाइड किया है। तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, तो आप लोग देख लीजिए अराउंड, ये कह सकते हैं एज अ मैं पिलियन राइडर के साथ, मैंने एज अ पिलियन के साथ मैंने ये माइलेज टेस्ट को किया है। तो आप लोग देख सकते हैं अभी तब से हम लोग इसको राइड कर रहे हैं। अराउंड अगर कह सकते हैं अगर आप लोग सिंगल राइडर हैं तो ये 50+ का आपको माइलेज प्रोवाइड करेगी। तो आप लोग देख सकते हैं, हमको नहीं लगता था इतना ज़्यादा ये माइलेज देगी, पर आप लोग ने देखा ही, ये झटके मारते मारते पता नहीं 5 से 7 किलोमीटर कहाँ से टोल प्लाजा के पहले से ये झटके मारते मारते यहाँ तक आ चुकी है। तो और अभी फ़ोन में देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखने मिलेगी। तो 1 घंटा 10 मिनट हमने इसको राइड किया है और 55 सेकेंड, तो एंड राइड कर देते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो आप लोग देखिए इसमें टोटल 5 राइड्स हैं और अभी जो इसके हिसाब से जो इसने डिस्टेंस जो कवर करी है वो 55.3 किलोमीटर की इसने डिस्टेंस करी है, पर जो स्कूटी में डिस्टेंस बता रहा है वो 49.6 बता रहा है, और इसकी जो टॉप स्पीड अभी तक की हमने जो इसको चलाया वो 65 किलोमीटर पर लीटर चलाया। और भी राइड डिटेल्स में जाते हैं तो देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखने मिलेगी। और ये काफ़ी यहाँ पे नेट स्लो चल रहा है। आई होप आप लोग को
इसका माइलेज टेस्ट पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।